देश के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को चेतावनी दे चुके हैं। इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। अंदाज में नजर आने वाले हैं एक्टर पंकज त्रिपाठी। किस खास दिन रिलीज की जाएगी ये बायोपिक? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बारे में क्या ही कहें, मतलब इस दमदार एक्टर ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबके छक्के छुड़ाए हैं। आउटसाइडर से लेकर बॉलीवुड का जबरदस्त स्टार बनने तक की इनकी जर्नी किसी से छिपी बिल्कुल नहीं है। उनके फैंस तो चाहते हैं कि पंकज को उनके दमदार अंदाज की तरह दमदार फिल्में मिले, और अब उनकी ये इच्छा फिर से पूरी होने वाली है, क्योंकि पंकज नजर आने वाले हैं एक बायोपिक में जिसका नाम है मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल, जिसे शॉर्ट करके रखा गया है अटल। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इतना बड़ा नाम है और उन्हीं की जर्नी पर्दे पर दिखाना कोई आसान काम नहीं है, पर अब इस मुश्किल को आसानी में बदलने का जिम्मा उठाया है डायरेक्टर रवि जाधव ने। रवि ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रोड्यूसर और पंकज के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म में पंकज निभाने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार। पंकज को ये ऑफर मिलने के बाद वो बेहद ही खुश हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी उल्लेख एनपीएस बुक यानी द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर बेस्ड होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, जानकारी के लिए, कि फिल्म को क्रिसमस 2023 के दौरान रिलीज करने का फैसला किया जा रहा है, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99th बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद पंकज को अटल बिहारी जी के गेटअप और अंदाज में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, फटाफट से हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, और चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।